हिंदू भाई पे अटैक हुआ है जो हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था अपनी दुकान के अंदर, और 6 से 7 जिहादी गैंग जो एक गैंग है जो अफीम तस्करी करते हैं यहाँ पे है, वो मतलब एक प्रकार से खौफे लोगों के अंदर, वो गैंग द्वारा भाई के ऊपर अटैक किया जाता है। संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। हिंदू भाई पे अटैक हुआ है जो हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था अपनी दुकान के अंदर, और 6 से 7 जिहादी गैंग जो एक गैंग है जो अफीम तस्करी करते हैं यहाँ पे है, वो मतलब एक प्रकार से खौफे लोगों के अंदर, वो गैंग द्वारा भाई के ऊपर अटैक किया जाता है, और वही गैंग द्वारा 10 दिन पहले एक मारवाड़ी भाई को चाकू बताया जाता है उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। वो भाई थाने में जाता है रिपोर्ट लिखने के लिए, लेकिन रिपोर्ट पुलिस द्वारा नहीं लिखाई जाती है, और एक और भाई के ऊपर हम परसों वो ये अटैक हुआ मुकेश भाई करके। तो हम एक ही मांग करते हैं सरकार से, ये जो जियादी गैंग है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जाए और कड़े सेक्शन के अंदर इनके ऊपर वो केस दर्ज किया जाए और जेल भेजा जाए। जब तक जितने भी आरोपी है उन सबको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तब तक हम वो ऐसी प्रकार से है वो अपना प्रकटन कर कोशिश करेंगे करके। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, जो अभी तक 2-3 आरोपी पकड़े हैं, 3 आरोपी अभी पेंडिंग है, वो पूरे अरेस्ट होना। हाँ, और मेरा नाम रमेश कुमार। संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है, कोई तो हाथ उठाने वाला ऐसा है तो ऐसा।